दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। पठानकोट शहर के नेहरू नगर मोहल्ले में बीती रात चोरों द्वारा एक घर को अपना निशाना बनाते हुए 50 तोले सोने सहित नकदी चुराने का मामला सामने आया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए कश्यप शर्मा ने बताया कि वह, उसके भाई और पिता शहर के बाहर नौकरी करते हैं और उनकी माता हमेशा घर में अकेली ही रहती है। बीती रात उनकी माता अपने किसी रिश्तेदार के घर गई हुई थी। जब वह वापस आई तो उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। जब उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा तो घर से 50 तोले सोना और 15,000 रुपए की नकदी गायब थी, जिसके बाद उनके द्वारा पुलिस को सूचित किया गया। इस मामले में एसएचओ सुखदेव सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वे डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट टीम सहित मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच में जुट गए हैं। मैं नेहरू नगर रहने वाले मैं दिल्ली जॉब करता हूं, मेरा ब्रदर भी दिल्ली जॉब करता है, फादर झांसी से रेलवे जॉब करते हैं। 17 तारीख शाम की गल है, मेरी मदर, मेरा ब्याह है तो मेरी मदर मामे का शॉपिंग करने ले गई थी, तो असी घर गहने वगैरह रखे हुए थे होटल, तो शामी मम्मी उत्थे रुक गए, तो राती नैक्सट डे शामी कॉल आया मम्मी कि ना पड़ोसियों को कि थोड़े दरवाजे खुले हुए हैं और शायद चोरी हो गई है। तो फिर मम्मी कल पुजी शामी तो उन्हें देखा कि दरवाजे दरवाजे सब खुले हुए हैं और काफ़ी सोना वगैरह सोना सारा चक के लै गए। 50 तोले हैं, 50 तोले और अबाउट 15,000 रुपया कैश सब चक के लै गए। तो अजे तक टेस्ट कर रहे हैं, कुछ अजे कुछ पता नहीं लगे। गली नंबर 3 चोरी हुई है, इतने बजुर्ग लेडी इकले घर रेंगे सके, वो असं हम डॉग स्क्वाड लैके आ रहे हैं, फिंगरप्रिंट बारे आ रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, जल्दी जोड़े चोर है वो फड़े जाए।